आज हम सूजी से बिना छेने के मालपुआ रसमलाई बनाएंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम सूजी से झटपट बनने वाली रसमलाई बनाएंगे। इसे बनाना बहुत आसान है, इसे कोई भी बना सकता है। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इसे जब भी मेहमान खाएंगे आपकी तारीफ करे बिना नहीं रहेंगे। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में हम एक कप सूजी लेंगे और 1 टेबलस्पून बेसन लेंगे। ये सूजी में बाइंडिंग का काम करेगा। इसके लिए आप आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर लेंगे। मिल्क पाउडर से इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। 1 टेबलस्पून शुगर पाउडर डालेंगे, इसमें हल्की सी मिठास आ जाएगी। अब हम इसका बैटर बनाएंगे। इसके लिए हमने 1 कप गर्म दूध का इस्तेमाल किया है। दूध को थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। गर्म दूध से सूजी जल्दी और अच्छी तरह से फूल जाएगी। अब इस बैटर को ढककर 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब रस मलाई के लिए दूध तैयार करेंगे। सबसे पहले हम एक पैन को फ्लेम पर रखेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पैन में पानी डालने से दूध नीचे तले में चिपकता नहीं है। इसे बनाने के लिए हमने 2 कप दूध का इस्तेमाल किया है। दूध फुल क्रीम लिया है। दूध को मीडियम फ्लेम पर रखकर 1 उबाल लगाएंगे और फिर फ्लेम को लो कर देंगे। दूध को चलाते रहेंगे। हमें दूध को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। दूध में उबाल आने पर हम उसमें कलर के लिए 1 पिंच हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो केसर के धागे या फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास केसर के धागे ख़त्म हो गए थे, इसलिए हमने हल्दी का इस्तेमाल किया है। दूध को मीठा करने के लिए हमने 2 टेबलस्पून चीनी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसे कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। एक चम्मच कटे हुए बादाम और 1 चम्मच कटे हुए पिस्ते भी डाले हैं और साथ में 1/2 चम्मच इलायची पाउडर ऐड किया है। फिर दूध को थोड़ी देर और चलाया है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ करके दूध को ढककर रख देंगे। पंद्रह बीस मिनट के बाद हम सूजी के बैटर को चेक करेंगे। सूजी अच्छी तरह फूल गई है और गाढ़ी भी हो गई है। अब इसमें 1/2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और ऊपर से दूध डालकर बेकिंग पाउडर को सूजी में अच्छी तरह मिलाएंगे और थोड़ा दूध डालकर बैटर को थोड़ा और पतला करेंगे। बैटर को हमने ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। इस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है। अब एक तवे को घी या रिफाइंड ऑयल से ग्रीस करेंगे और बैटर को 1 चम्मच की हेल्प से
गोल गोल मालपुए जैसे बनाएंगे। बैटर को एक चम्मच में लेंगे और पैन में गोल गोल मालपुए जैसी शेप के पैनकेक जैसे बनाएंगे। जब ये एक तरफ से सिक जाएंगे तो इन्हें पलट कर दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। ये देखने में पैनकेक की तरह ही लगते हैं। इसी तरह हम सारे पैनकेक तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे सिककर तैयार हुए हैं। मैं इसे तोड़कर दिखाती हूँ ये कितने सॉफ्ट और फ्लैपी बने हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में रख कर ऊपर से सारा दूध इन पर पोर कर देंगे। ऊपर से कटे हुए पिस्ता बादाम से गार्निश कर देंगे। हमने इसमें एडिबल रोज स्प्रे किया है। ये खाने में इस्तेमाल करने वाला गुलाब जल है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। आप इसकी जगह केवड़ा या इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं। लीजिए तैयार है हमारे सूजी से झटपट बनने वाली रसमलाई। ये जितनी सुंदर देखने में लग रही है खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी के साथ।